गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसआर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटीजर्स के बारे में। सो इंटीजर्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, सो पॉजिटिव क्या होते हैं? जीरो इन सेंटर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर मैं राइट साइड से आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। एंड लेफ्ट साइड क्या होता है मेरा? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स। ओके, तो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। ओके, सो मींस वी हैव टू एड, हमें दो इंटीजर्स को एड करना है। एग्जाम्पल 255 एंड 31, मुझे क्या करना है? इन दोनों को एड करना है। तो हाउ आई विल एड, मुझे कैसे एड करना है इनको? तो फर्स्ट मैं क्या लिखूंगा? 255। ओके, एंड सेकेंड 31, मैं इसको ऐसे लिखूंगा या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा? तो आप देखिए, इन दोनों में से हमें पता लगाना है हमें ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। ओके, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एक्सट्रीम राइट से। तो राइट में क्या आएगा हमारा? वंस। तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, ऐसे चलता जाएगा। सो हमें इस तरह से स्टार्ट करना है, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है ना कि लेफ्ट साइड से। तो ये क्या है हमारा? गलत। तो लिखने का जो मेथड है हमारा वो क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस। ओके, सो अब हमें क्या करना है? ऐड करना है वंस प्लेस वालों को वंस प्लेस के साथ, सेकंड टेंस प्लेस वालों को टेंस प्लेस के साथ, एंड थर्ड हंड्रेड वालों को हंड्रेड के साथ। मींस फर्स्ट पोजीशन पे जो है उनको फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड वाले को सेकंड के साथ ऐड करना है, थर्ड वाले को थर्ड के साथ, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब देखो 5 + 1 कितना हो गया हमारा? 6। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 6। ओके, नाउ अगेन 5 + 3 कितना हो गया मेरा? 8। एंड 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 286। ओके, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, 298 + 135, इफ आई एड 8 + 5 व्हाट आई विल गेट? अगर मैं 8 एंड 5 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 13। तो 1 कैरी आ जाएगी मेरे पास, 9 + 3 क्या होता है मेरा? 12। 12 + 1 कैरी का फिर से 13, अगेन 1 कैरी, अब 1 + 2 + 1 कितना हो गया? 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 4। मींस ये क्या होता है मेरा? इंटीजर का एडिशन। ओके, अब इसके बाद एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पॉज करिए, वीडियो को फर्स्ट को नोट करिए। नाउ इसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कहना चाहता है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करूंगा तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वो भी एक इंटीजर आएगा। अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। सो इफ 2 इंटीजर्स आर एडेड देन वी गेट वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ ए एंड और, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए प्लस बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। मीन्स अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इंटीजर है, ए और बी दोनों इंटीजर्स है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, आई विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल अब मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, एक इंटीजर है, एंड 25 ले लिया, ये भी क्या मेरा एक इंटीजर है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 5, अब 25 को मैं कैसे ऐड करूंगा, हम मैंने बोला था फर्स्ट नीचे फर्स्ट, सेकंड नीचे सेकंड, अगर यहां पे कुछ नहीं है तो हम इसको जीरो अज्यूम करेंगे, मैं ऐड कर दूंगा तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 की 0 1 कैरी 1 प्लस 2 इज 3, आंसर इज 3, 30 क्या है मेरा, ये भी क्या है मेरा एक इंटीजर है। अगेन मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर -6 है एंड अगर मुझे इसको ऐड करना है 27 में, तो मैं इसको कैसे ऐड करूंगा, अब देखो प्लस में क्या था कि हमने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया, बट एक मेरे पास माइनस का एक मेरे पास प्लस का है, तो अब मैं इसमें से क्या करूंगा, जब भी दो अपोजिट साइन आ जाए, मींस अगर माइनस के साथ प्लस आ जाए या प्लस के साथ माइनस आ जाए, तो हमें क्या करना है, जो भी मेरी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा उसके सामने क्या, जो साइन आएगा वो क्या होगा, जो बड़े नंबर के सामने जो भी साइन होगा वो हमारे पास साइन आ जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 27 में से मुझे क्या माइनस करना है, 27 माइनस 6, तो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया इसके साथ, तो 27 माइनस 6 कितना होता है, 7 में से 6 ले दो 1, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो आंसर इज 2। अगर यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तीसरा, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक। अब इस वीडियो को पॉज करने के बाद तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, अगर मेरा यहाँ पे क्या होता 6 एंड -27 होता तो मैं इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है, अब भी मैं क्या करूँगा 27 यहाँ पे माइनस देन प्लस 6, ठीक। देखो यहाँ पे भी क्या था, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो मैं इसको क्या मानता हूँ प्लस, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अब जो आंसर आया 27 में से मैंने 6 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आया 21, ठीक। बट अगर मैंने -27 में मैंने 6 ऐड किया तो क्या आया मेरे पास, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, 27 में से 6 को माइनस करो, 7 माइनस 6 कितना होता है हमारा 1, 7 माइनस 6 इज 1, देन 2 माइनस 0 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, ये 2। अब देखो यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे क्या था, अब देखो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है 27, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या था 27, ठीक। यहाँ पे बड़े नंबर के सामने जो साइन था वो क्या था, अगर कुछ साइन नहीं होता तो हम पॉजिटिव मानते, तो यहाँ पे जो साइन था वो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा पॉजिटिव का आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है 27 के सामने, 27 इज द लार्जर नंबर, ये बड़ा नंबर है हमारे पास, तो बड़े नंबर के सामने जो भी साइन होता है वो हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन आता है, तो ये क्या जाएगा -21, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में पहले फर्स्ट ये आप नोट कीजिए, इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।